ये वाला कुर्ता सेट मैं अब आपको तीसरी बार ही दिखा रही हूँ। दिमाग खराब कर दिया। जो ये पोटली बटन है ना, ये एक दूसरे से नाराज है कि लेंथ लुक इसकी बहुत ही ज्यादा प्यार। हाय गाइस, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सभी लोग? आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कुर्ता सेट। जी हाँ, डिफरेंट मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि इसमें आपको मिलने वाला है नायरा कट धोती कुर्ता सेट और कॉट सेट, कुछ नॉर्मल कुर्ते जो आप घर में वेयर कर सकते हैं, कुछ पार्टी वेयर है, कुछ नॉर्मल वेयर है, कुछ कुर्तीज़ हैं। इन सभी को देखने के लिए मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ। मैंने किसी भी पार्सल को अभी ओपन नहीं किया है और कुछ इसमें ऐसे हैं जिनको मैं धो के पहन के ट्राई करके देख चुकी हूँ, उनका भी मैं आपके साथ रिव्यू शेयर करने वाली हूँ। कुछ ऐसे हैं जो मुझे अभी रिसीव हुए हैं, मैंने उनको खोल के अभी तक नहीं देखा है, तो चलिए साथ में देखते हैं। आप देख रहे हो फैशन विद स्टाइल, मैं हूँ काजल। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो स्टार्ट करते हैं हमारे उन कुर्ता सेट से जिन्हें मैं धो के पहन के ट्राई करके देख तो चुकी जी हूँ। फर्स्ट है हमारा ये वाला कुर्ता सेट। आपने ये कुर्ता सेट वायरल हुआ था काफ़ी ज़्यादा और देखा होगा आराम से मीशो पे, ये 400-500 रुपए का आराम से मिल जाता है। अभी तो इसका प्राइस थोड़ा घट गया है। सो ये ऐसा सा है, पिक्चर में देख लीजिए, आपको इसमें इसका दुपट्टा, कुर्ता सेट और इसका बॉटम वेयर मिल जाता है। इसके दुपट्टे से स्टार्ट करते हैं। दुपट्टा इसका पूरा ही भरा हुआ है, कुछ ऐसा सा आपको दुपट्टा मिलने वाला है, नेट का दुपट्टा है। पूरे ही दुपट्टे पर आपको ये वाली कढ़ाई मिल जाती है, बहुत ही नीट एंड क्लीन तरीके से कढ़ाई की गई है इसकी। मुझे इसकी कढ़ाई वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। बस ये थोड़ी सी चौड़ाई में कम है, चौड़ाई इसकी ऐसी सी है आपको अच्छे से दिख रहा हो, इतनी चौड़ाई सिर्फ इसकी, बाकी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो ये था इसका दुपट्टा, इसको करते हैं साइड। सो गाइस, कुछ ऐसा सा आपको कुर्ता मिल जाता है। जगह जगह आपको इसमें फ्लावर बनाए गए हैं, पूरे ही कुर्ते पर ऐसे ऐसे फ्लावर हैं। फ्लावर की क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, काफ़ी ज़्यादा नीट एंड क्लीन तरीके से इसका वर्क किया गया है, कहीं से भी निकल नहीं रहा कोई भी धागा, बहुत ही नीट एंड क्लीन तरीके से किया गया है। ये जो यहाँ पर बटन लगाए गए हैं, ये बटन मैंने खुद से लगाए हैं, ये सिर्फ आपको प्लेन ही मिलने वाला है। 3/4 इसकी स्लीव्स आपको मिलने वाली है। बैक साइड से ये आपको एकदम प्लेन मिलने वाला है, कुछ ऐसा सा। इसका प्राइस मुझे अभी याद नहीं है तो मैं आपको मेंशन कर दूंगी स्क्रीन पर। बाकी ये कुर्ता सेट काफ़ी ज़्यादा अच्छा मुझे लगा। बात करूँ इसके बॉटम वेयर की, तो इस टाइप का आपको बॉटम वेयर मिल जाता है। यहाँ पर आपको कोई इलास्टिक नहीं मिलती है, लेकिन बैक साइड में आपको ये इलास्टिक मिल जाती है। फ्रंट पे आपको एक पॉकेट भी इसमें रिसीव होती है, पॉकेट की लेंथ भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी खासी है। कुछ ऐसा सा आपको ये बॉटम वेयर मिलने वाला है पैंट स्टाइल में। मटेरियल इसका काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है। सो जी नेक्स्ट है हमारा ये वाला कुर्ता सेट, और ये जैसा पिक्चर में शो हो रहा है ना, मुझे डिटो वैसा ही रिसीव हुआ। इसकी क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी आई थी, मैं इसे धो के पहन के ट्राई कर चुकी हूँ और इसकी कढ़ाई कहीं से भी ख़राब नहीं हुई है। कुछ ऐसा सा वर्क मिल जाता है आपको नेक डिज़ाइन पे, बहुत ही ज़्यादा प्यारा है। आपको इसमें पर्ल वर्क मिल जाता है और भी बहुत सारा वर्क है, आप देख लीजिए। 3/4 इसमें स्लीव्स मिल जाती हैं आपको और ये गोटा पट्टी की लेस लगाई गई है। पूरे ही कुर्ते पे आपको इस टाइप की बूटी बूटी बनाई हुई मिल जाती है। नीचे में आपको यहाँ दामन पर दोनों ही साइड ये गोटा पट्टी की लेस लगाई हुई मिल जाती है। वर्क बहुत ही प्यारा है इसका, काफ़ी ज़्यादा नीट एंड क्लीन तरीके से किया गया है। बेस्ट ये है कि इसके कढ़ाई पल वॉश करने के बाद भी नहीं निकले हैं। और बैक साइड से ये आपको कुछ ऐसा सा मिलने वाला है यहाँ पर, और ये आपको चुभे ना इसके लिए इन्होंने यहाँ पर आपको ये अंदर में ये कपड़ा लगाया हुआ मिल जाता है, ताकि आपको ये वर्क ना चुभे। कुछ ऐसे से जो ये लाइनिंग लगाई हुई है सिर्फ यहाँ यहाँ तक है, नीचे में आपको ये एकदम ही विदाउट लाइनिंग मिलता है। वैसे कुछ दिखता नहीं है, ट्रांसपेरेंट बिल्कुल नहीं है, सो टेंशन मत लीजिए। ये था इसका कुर्ता, वाइट प्लेन आपको इसमें इसका बॉटम वेयर मिलने वाला है। कुछ ऐसा सा लास्टिकेटेड है, ऑल ओवर पूरा ही ये यहाँ तक कि प्लेन है, और ये यहाँ पर आपको नीचे में ये लेस लगाई हुई है जो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है। दोनों ही साइड लेस है आपको आगे पीछे, बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा है। मटेरियल इसका काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है। सो जी नेक्स्ट है हमारी ये वाली कुर्ती। अगर आप मुझे देखते आ रहे हैं तो आपने मुझे इसे मेरी वीडियोस में वेयर कर रही हुए देखा होगा, बहुत लोगों ने इसका लिंक मांगा था। मैंने लिंक नहीं दिया था क्योंकि मैंने शॉर्ट कुर्ती हॉल किया था,
अगर आपने मेरा ये वाला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर ज़रूर देखिएगा। उसमें मैं इसको इंक्लूड करना चाहती थी लेकिन कर नहीं पाई, भूल गई थी मैं इसको। सो अभी दिखा रही हूँ। सो जी कुछ ऐसा सा आपको इसमें फ्रंट में वर्क मिल जाता है, धागे एंड रियल मिरर का वर्क मिल जाता है। फ्रंट पे आपको इसमें पोटली बटन लगाए हुए मिल जाते हैं जो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। 3/4 आपको इसमें स्लीव्स मिलने वाली हैं, स्लीव्स पे भी आपको ये धागे एंड रियल मिरर का वर्क मिल जाता है। कुर्ती के नीचे भी आपको कुछ ऐसा सा वर्क मिल जाता है, सेम ही फ्लेयर कुर्ती का काफ़ी ज़्यादा अच्छा खासा है। अगर मैं आपको फ्लेयर दिखाऊं तो कुछ ऐसा सा आपको इसका बैक डिज़ाइन मिलने वाला है, काफ़ी ज़्यादा प्यारा है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा मुझे ये लगा। और ये आपको यहाँ पर ये डोरी दी गई है एडजस्ट करने के लिए। अगर थोड़ा बहुत अगर आपको ये लूज़ है तो आप इससे ऐसे एडजस्ट कर सकते हैं। ये देखो ऐसे करके ये ऐसा हो जाएगा। उसके बाद में अगर आपको ये लूज़ नहीं है तो आप इसे ऐसे खोल भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, या नॉर्मल भी बांध सकते हैं। तो मुझे तो ये पर्सनली काफ़ी ज़्यादा पसंद आई, बहुत ही ज़्यादा प्यारी है। और इसके साथ आपको इनर वियर भी मिलता है इसके अंदर पहनने के लिए, वो अभी पता नहीं कहाँ है तो मैं वो नहीं दिखा पाऊँगी। बाकी कुर्ती बहुत ही प्यारी है, मिरर इसके अभी तक नहीं निकले हैं, बहुत ही अच्छे से चिपकाए गए हैं। सो जी ये थी हमारी कुर्ती, चलो इसे पहन के दिखाती हूँ। मुझे नहीं लगता कि इसे आपको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है, मैं तो बस इसे आपको वेयर करके दिखा रही हूँ कि वेयर करने के बाद इसकी लुक कैसी सी आने वाली है। आप इसका लुक फिट देख लीजिए कैसा सा लग रहा है, आप इसकी स्लीव्स देख लीजिए कितनी ज़्यादा प्यारी लग रही है। इसका फ्लेयर काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, आप फ्लेयर देख लीजिए, कुछ ऐसा सा आपको फ्लेयर मिलने वाला है। बहुत ही ज़्यादा प्यारी है, बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है। जैसे इसमें ये स्टोन नहीं सॉरी, जैसे कि इसमें पूरी ही कुर्ती में ये मिरर वर्क दिया गया है, मुझे कहीं से भी चुभ नहीं रहा है वर्क इसका, बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है वेयर करने के बाद में। स्लीव्स में इसमें मैंने कुछ नहीं पहना है लेकिन स्लीव्स में मुझे ये बिल्कुल नहीं चुभ रहा है इसका वर्क, बहुत ही ज़्यादा प्यारी है, आप इसे डेफिनेटली बाय कर सकते हैं। नेक्स्ट दिखाती हूँ। चलिए अब हमारे पार्सल्स को ओपन करते हैं। फर्स्ट है हमारा ये वाला कुर्ता सेट, आप देख लीजिए कितना ज़्यादा अच्छा ये पिक्चर में लग रहा था। इसकी कढ़ाई और इसके पैटर्न की वजह से मैंने इसको बाय किया है। तो चलिए इसे ओपन करते हैं। इसमें आपको इसका पजामा और इसका कुर्ता मिलता है। सो जी कुछ ऐसा सा कुर्ता मिल जाता है हमें, कुर्ते के दोनों ही साइड ये वाली आपको कढ़ाई मिल जाती है। मैं आपको पास से दिखाऊँ तो फ्रंट पे आपको ये पोटली बटन लगाए हुए हैं जो टेढ़े मेढ़े हो रखे हैं, और ये इधर भी नहीं हो रहे हैं। देखो ऐसे करने पर ये इधर भी नहीं हो रहे हैं, तीनों ही देखो बिल्कुल भी ऐसे नहीं हो रहे हैं। पता नहीं इन्होंने ये कैसे स्टिच किए, या तो ये डिज़ाइन बनाने की कोशिश की है ऐसा, देखो ज़रा। पर उसमें तो एकदम स्ट्रेट थे पिक्चर में। साइज़ मैंने इसमें मीडियम मंगाया क्योंकि सबसे छोटा साइज़ इसमें मीडियम ही था। और आपको इसमें फुल लेंथ की स्लीव्स मिलने वाली हैं। स्लीव्स की थोड़ी इस टाइप से हैं, आपको समझ में आए कौन सी स्लीव्स बोलते हैं, अम्ब्रेला टाइप में आई थिंक, पता नहीं कौन सी स्लीव्स बोलते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ शायद आपको अच्छे से समझ आए। कुछ ऐसी सी आपको इसमें स्लीव्स मिलने वाली है, और स्लीव्स के यहाँ पर आपको ये वाला धागे का वर्क मिल जाता है, बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा है ये, और कहीं कहीं से धागे भी निकले हुए हैं। बाकी नीचे से कुर्ता पूरा ही ये प्लेन है, बस आपको ये ऊपर ही वर्क मिलता है यहाँ पर पे। सो जी कुछ ऐसा लास्टिकेटेड आपको इसमें प्लाजो मिलने वाला है, और प्लाजो का घेर देख लीजिए आप, कितना अच्छा खासा प्लाजो का घेर है। और ये आपको कुछ ऐसे वाला घेर मिलता है इसका, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। मटेरियल भी इसका काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, बहुत ही सॉफ्ट मटेरियल है। इसको पूरी तरह कॉपी करने की कोशिश की गई है, बस उसका ये जो डिज़ाइन था ना ये थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि पिक्चर में एकदम स्ट्रेट आप देख पाएंगे तो स्ट्रेट है, और उन्होंने इसको या तो वो हो गया है ऐसे ऐसे जिगजैग पैटर्न में। तो चलिए बाकी पहन के दिखाती हूँ। ओ माई गॉड कितनी प्यारी इसकी लुक आई है गाइस, आप देख लीजिए कितना ज़्यादा प्यारा ये लग रहा है, जैसा पिक्चर में शो हो रहा था ना डिटो वैसा ही लग रहा है। बहुत ही ज़्यादा प्यारी लुक आई है इसकी। स्लीव्स देख लीजिए मुझे कहाँ तक कि इसकी स्लीव्स आने वाली हैं, और इसका ये वाला स्लीव्स वाला पैटर्न मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा है, मुझे ये ऑल ओवर बहुत ज़्यादा पसंद आया। इसका जो ये पोटली बटन है ना ये एक दूसरे से नाराज़ हैं।
जी हाँ, देखो ना, एक दो का मुंह इधर हो रखा है, एक का इधर हो रखा है, तीन का इधर हो रखा है, फिर दो इधर का। फिट की बात करूँ तो फिट से ये मुझे थोड़ा सा लूज है, तो मैंने इसको एडजस्ट करके वेयर किया हुआ है। बाकी इसका लुक बहुत ही ज्यादा प्यारा है, इसे तो आपको सोचने की जरूरत नहीं है, ये डेफिनेटली बाय कर सकते हैं आप इसे आंख बंद करके, बहुत ही खूबसूरत है। चलिए नेक्स्ट दिखाती हूँ। तो जी नेक्स्ट है हमारा ये वाला नायरा कट कुर्ता सेट। ये मुझे बहुत ही टाइम से चाहिए था और आजकल काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में है। स्पेशली मुझे इसकी नेक डिज़ाइन है ना, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही थी। सो चलिए देखते हैं कि हमें क्या रिसीव हुआ है। कि आपको इसमें इसका कुर्ता, दुपट्टा और इसका ये बॉटम वेयर मिलता है। सो चलिए स्टार्ट इसके बॉटम वेयर से करते हैं। बॉटम वेयर तो एकदम ही इसका प्लेन है, इस टाइप का इलास्टिकेटेड है और यहाँ से ये प्लेन है। नीचे में आपको ये वाली लेस लगाई हुई मिल जाती है, कुछ ऐसी सी। दोनों ही साइड लेस है इसके, आगे एंड पीछे। चलो इसको करते हैं साइड। कुछ ऐसा सा आपको दुपट्टा मिल जाता है, दुपट्टे के चारों ओर आपको ये वाली लेस मिल जाती है, जो इसके कुर्ते का कपड़ा है उसी की लेस बना के चारों ओर इसके दुपट्टे के लगाई गई है। दुपट्टे की लेंथ एंड चौड़ाई बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, दुपट्टे का मटेरियल बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है। सो चलिए साइड करते हैं दुपट्टे को भी। सो जी बात करते हैं इसके कुर्ते की। कुछ ऐसा सा आपको कुर्ता मिल जाता है, इसका नेक डिज़ाइन देख लीजिए आप, कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है। यहाँ पर आपको ओट पास ये फॉल्स मिरर का वर्क मिल जाता है, मुझे तो काफ़ी ज़्यादा प्यारा लग रहा है ये। और ये यहाँ पर ये टसल्स मिल जाते हैं आपको गले पर, कुछ ऐसे से आपको स्लीव्स मिलने वाली हैं, ट्रांसपेरेंट स्लीव्स हैं इसकी। और स्लीव्स के यहाँ पर आपको वही वाली लेस लगाई हुई मिल जाती है। ऑल ओवर ये पूरा ही प्रिंटेड है, कुछ ऐसा सा नायरा कट में आपको ये मिलने नहीं, ये आपको नायरा कट में नहीं मिलता है। अरे ये तो गाउन टाइप है, पूरा ही सिला हुआ है दोनों ही साइड से। हाँ यार, ये पूरा सिला हुआ है और मैंने इसको सोच के मंगाया था कि नायरा कट में आने वाला है। शिट, चलो कोई बात नहीं। मुझे इसका नेक डिज़ाइन बहुत ज़्यादा प्यारा लगा था, जिसकी वजह से मैंने इसको ऑर्डर लगाया था। अगर इसका नेक डिज़ाइन सपोजिंग ऐसे करके आता है तो बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगेगा। यहाँ ख़त्म होने के बाद जब इसके फ्लेयर स्टार्ट होंगे यहाँ से, तो बहुत ही ज़्यादा सॉरी यहाँ से तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर ये लगने वाला है। बाकी चलिए इसका लुक फिट मैं आपको पहन के दिखाती हूँ। गाइस, मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था कि पहनने के बाद में इतना ज़्यादा बेकार लगने वाला है। सबसे पहले तो आप इसका नेक डिज़ाइन देख लीजिए, कैसा सा इसका नेक डिज़ाइन लग रहा है। मेरे अंदाज में इसका नेक डिज़ाइन ऐसे हो करके इतना और होता, ये यहाँ पर आता और उसके बाद में इसका फ्लेयर, यानी ये जो चुनटे यहाँ पर हैं, ये चुनटे यहाँ से स्टार्ट होती तो ज़्यादा अच्छा लगता। बाकी इसका लुक देख लो आप, कैसा सा इसका लुक लग रहा है। मुझे तो इसका लुक बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, बाकी इसके लुक मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, कितना बेकार लग रहा है यार ये वेयर करने के बाद। आप देख, खुद देखो, अगर इसका नेक डिज़ाइन यहाँ से होता, चुनटे ये यहाँ से स्टार्ट होती तो बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगता, बहुत ही ज़्यादा प्यारी लुक आती इसकी। फ्लेयर भी इसका सिर्फ ओके ओके है, 1000 रुपये में आपको ये चीज़ मिल रही है, वो मेरे पैसे इस प्रोडक्ट में एकदम वेस्ट गए हैं, बिल्कुल भी वर्थ इट नहीं है, बहुत ही ज़्यादा बेकार है। लुक लुक इसकी बहुत ही ज़्यादा वियर्ड आ रही है, मुझे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। इसके लिए बिग नो है, बिल्कुल भी बाय मत कीजिएगा, लुक बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। चलिए नेक्स्ट दिखाती हूँ, दिमाग ख़राब कर दिया। एनीवेज, हमारा ये वाला कुर्ता सेट था, ये देख लीजिए, कुछ ऐसा सा पिक्चर में लग रहा था, काफ़ी ज़्यादा क्यूट एंड सुंदर। जितना सुंदर है लग रहा है ना, मैं कसम लगे मैंने, उतना ही सुंदर रिसीव ये हुआ है। चलिए दिखाती हूँ। स्टार्ट करते हैं इसके बॉटम वेयर से। बॉटम वेयर कुछ ऐसा सा आपको लास्टिकेटेड मिलने वाला है, कुछ ऐसा सा आपको इसमें प्रिंट मिलने वाला है, कुछ ऐसा सा आपको इसमें प्रिंट मिलने वाला है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। मटेरियल इसका काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है और ये कुछ इस टाइप का आपको कुर्ता मिलने वाला है। यहाँ पर आपको फॉयल्स मिरर का वर्क मिल जाता है और ये कुछ ऐसा सा प्रिंट मिल जाता है आपको। यहाँ पर ये जो बेल्ट टाइप का इन्होंने बनाया है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, जब पहनते हैं उसके बाद पता चलेगा आपको अच्छे से। 3/4 आपको इसमें स्लीव्स मिलने वाली है और स्लीव्स के यहाँ पर आपको ये इलास्टिक मिल जाती है। बैक साइड से भी ये पूरा ऐसे ही है,
इसमें मैंने स्मॉल साइज मंगाया था, लेकिन स्मॉल साइज के हिसाब से ही मुझे काफ़ी ज़्यादा लूज है। तो मैंने वेयर किया हुआ है तो मैं आपको साइड में इसकी वीडियो दिखा दूंगी, आप देख लेना कैसा सा ये लग रहा है। पहनने के बाद में बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा था ये। सो जी नेक्स्ट है हमारे ये वाला कुर्ता सेट, आप देख लीजिए कितना ज़्यादा प्यारा ये लग रहा है। इसका वर्क, इसका कलर, सब कुछ काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और हमें ये रिसीव हुआ है। सो चलिए देखते हैं कि इसमें हमें क्या रिसीव हुआ है और कैसा ये है। तो जी इसमें आपको प्लेन इसका प्लाजो मिलने वाला है, कुछ ऐसा सा प्लाजो है। प्लाजो का घेर देख लीजिए आप कैसा सा इसका घेर है, बाकी मटेरियल इसका काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। सो जी कुछ ऐसा सा आपको इसमें कुर्ता मिलने वाला है। फॉल्स एंड धागे का वर्क मिल जाता है आपको इसमें, काफ़ी ज़्यादा नीट एंड क्लीन तरीके से किया गया है। यहाँ पर आपको ये कौड़ी एंड कॉइन्स लगाए हुए मिल जाते हैं। नीचे में आप देखेंगे तो नीचे में आपको ये टेसल्स लगाए हुए हैं जो बहुत ही ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं। 3/4 आपको इसमें स्लीव्स मिलने वाली है और स्लीव्स इसकी एकदम ही प्लेन है। पूरा कुर्ता सेट ये आपको प्लेन मिलने वाला है और ये आपको गाउन टाइप में मिलने वाला है। कुर्ते की लेंथ मुझे इसकी काफ़ी ज़्यादा लग रही है, अगर ये ज़्यादा लंबा रहा ना तो इसकी लुक बिल्कुल भी वो नहीं आएगी जो पिक्चर में दिख रही है। बाकी सो चलिए इसका लुक फिट मैं आपको बाकी पहनकर ही कुछ बता पाऊँगी कैसा ये लगने वाला है। सो चलिए, सो गाइस पहनने के बाद इसकी लुक कुछ ऐसी सी आई है, आप देख लीजिए इसका नेक डिज़ाइन कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है। जैसे मैंने सोचा था ना, इसका नेक डिज़ाइन बिल्कुल वैसा सा ही लग रहा है, बहुत ज़्यादा प्यारा है। इसकी स्लीव्स देख लीजिए मुझे कहाँ तक की इसकी स्लीव्स आने वाली हैं। फिटिंग से ये मुझे काफ़ी ज़्यादा लूज़ है, मैंने इसको एडजस्ट करके पहना हुआ है बैक साइड से। मुझे जो इस कुर्ती में पसंद नहीं आया ना, वो है इस कुर्ती की लेंथ, बहुत ही ज़्यादा लेंथ है। अगर ये थोड़ी सी शॉर्ट होती ना, फुल लुक मैं आपको साइड में दिखाऊंगी, अगर ये थोड़ी शॉर्ट कुर्ती होती और थोड़ा सा फ्लेरी इसका पजामा होता तो इसकी लुक वैसी आती जैसे इसकी पिक्चर में आ रही है। बस मुझे इसका नेक डिज़ाइन अच्छा लगा, बाकी इसका लुक मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग है, थोड़ी शॉर्ट होती तो ज़्यादा अच्छी लगती। सो चलिए नेक्स्ट दिखाती हूँ। ये वाला कुर्ता सेट मैं अब आपको तीसरी बार दिखा रही हूँ। फर्स्ट टाइम में ये माइक गले से निकल गया था, सेकेंड टाइम मैंने इसको गले में लगाया तो ये फ़ोन में इंसर्ट करना मैं भूल गई। अब तीसरी बार मैं इसको शूट कर रही हूँ वीडियो को, अब दोनों ही सही है अच्छे से। चलिए दिखाती हूँ इसको, एक्सप्लेन कर करके ना मैं आपको ऐसे आंख बंद करके बता सकती हूँ, इतनी बारी एक्सप्लेन कर दिया मैंने। एनीवेज कुछ ऐसा सा इलास्टिकेटेड आपको इसमें धोती मिलने, लो अब उल्टी धोती दिखा रही हूँ, देखा। सो जी कुछ ऐसे सी इलास्टिकेटेड आपको इसमें धोती मिलने वाली है और धोती देख लीजिए आप, उसमें ज़्यादा चुन्नटे या फिर फ्लेयर नहीं है बिल्कुल भी, ऐसी सी आपको स्ट्रेट टाइप में धोती मिलने वाली है। और यहाँ पर आपको ये वाले कट मिल जाते हैं दोनों ही साइड में ऐसे से, और ये कट आपको नीचे तक मिलता है, यहाँ तक कि दोनों ही साइड में इसमें कट है। मटेरियल इसका काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, कुछ ऐसे से कट हैं आपको दोनों ही साइड में। सो जी कुछ ऐसा सा आपको इसमें कुर्ता मिलने वाला है। कुर्ते पर आपको ये धागे एंड फॉल्स मिरर का वर्क मिल जाता है, वर्क देख लीजिए आप कितने ज़्यादा नीट एंड क्लीन तरीके से किया गया है। कुर्ते के साइड में भी आपको ये वाला सेम वर्क मिलने वाला है, धागे एंड फॉल्स मिरर का वर्क है। नीचे ये दामन तक आपको वर्क मिल जाता है फॉल्स एंड मिरर का, बहुत ही ज़्यादा नीट एंड क्लीन तरीके से किया गया है। स्लीव्स आपको इसकी स्लीव्स 3/4 स्लीव्स मिलती हैं और यहाँ पर आपको ये वही वर्क मिल जाता है सेम। बैक साइड से ये आपको एकदम ही प्लेन मिलने वाला है, कुछ ऐसे सी। सो चलिए इसका लुक फिट मैं आपको पहन के दिखाती हूँ। सो गाइस पहनने के बाद इसकी लुक कुछ ऐसी सी आई है, आप देख लीजिए कितना ज़्यादा प्यारा ये लग रहा है। इसका ये नेक डिज़ाइन कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है, लुक इसकी बहुत ही ज़्यादा प्यारी है। ये जैसे पिक्चर में शो हो रहा था डिट्टो, इसकी लुक वैसी सी ही आई है। इसका साइज़ मुझे लूज़ है, मैंने इसमें एम साइज़ मंगाया था, इन्होंने मुझे एल साइज़ भेजा, उसके हिसाब से आप देख लीजिए इसकी स्लीव्स मुझे कितनी ज़्यादा लूज़ है। ये मुझे फिट से भी लूज़ है, मैंने इसको बैक साइड में एडजस्ट करके पहना हुआ है कुछ ऐसे से। बाकी ये बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा है, थम्स अप है इसके लिए। सो गाइस ये था मेरा आज का वीडियो, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इनमें से आपको कौन सा सेट ज़्यादा अच्छा लगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा ऐसी और वीडियोस देखने के लिए। मैं मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।